कटिहार के हसनगंज प्रखंड स्थित ढेरुआ पंचायत के पुराना ढेरुआ कजरी गांव में एसटी स्टार क्लब कजरी द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट 3 दिवसीय था, जिसमें समाज सेवी गिरधारी उराव ने फीता काट कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। वहीं गिरधारी उराव ने कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल से समाज में आपसी प्रेम और सद्भावना कायम रहती है, खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। ये आदिवासी शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये खेल जो है सभी खेलों से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस खेल में शारीरिक विकास का सारा शरीर का पार्ट्स काम करता है इस खेल में। और जितने खेल है, जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, तो उसमें ज्यादा एक्शन नहीं आता है, देखने वालों का भी दिलचस्प नहीं हो पाता है। लेकिन फुटबॉल ऐसी खेल है जो सारा चीज़ को जोड़ता है। इससे जो है खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है और समाज के लोगों को भी प्रभावित पड़ता है, और इससे जो है देश का भविष्य भी बनता है। इसी खेल से अच्छे अच्छे खिलाड़ी आगे बढ़ने का जो है मौका मिलता है। साथ ही फुटबॉल टूर्नामेंट क्लब के सदस्यों ने बताया कि फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी होंगे और दोनों टीमों को मात्र 25 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें विजेता टीम को 5,000 व उप विजेता टीम को 3,000 रुपए की भेंट से नवाजा जाएगा। जब फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें कि हम लोग का ग्रामीणों का सबका सहयोग है, खास करके हम लोग का भी विशेष योगदान है इसमें जो है सब जो है हम लोग मिलजुल के खेल खिलवाते हैं। क्लब द्वारा खिलाई देना जी, हम लोग का क्लब है एसटी स्टार क्लब। मौके पर पहली पारी की शुरुआत पोखरिया और केवटिया के बीच में हुआ, जिसमें पोखरिया ने टॉस जीतकर खेल प्रारंभ किया। इस अवसर पर समाज सेवी गिरधारी उराव, वार्ड सदस्य अशोक भगत, हीरालाल उराव, लक्ष्मण उराव, तल्लू मुर्मू सहित कई खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद थे। मुकेश कुमार, टाइम्स न्यूज, हसनगंज।